आप देख रहे हैं किन्वर्ट वायरल न्यूज। किन्वर्ट वायरल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आप देखते रहिए किन्वर्ट वायरल न्यूज। हम्बल कॉलोनी वालों के लिए बड़ी खुशखबर, हबीब कॉलोनी से लेकर हम्बल कॉलोनी तक WBM रोड मंजूर। आमदार भीमराव जी केराम साहब के हाथों हुआ उद्घाटन, हम्बल कॉलोनी के लोग बहुत ज्यादा खुश। आमदार भीमराव जी केराम साहब ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या हम्बल कॉलोनी या वस्तीमध्ये असणाऱ्या आमच्या लोकांसाठी अनेक वर्षापासूनचे रस्त्याचा असणारा जो विषय प्रलंबित होता आणि ते रस्ता पूर्ण करण्याची त्यांना दिलेल्या शब्दानुसार आज त्याचं विधिवत मी त्याचं भूमिपूजन या ठिकाणी करतो आहोत। त्याचा असणारा मला अतिशय समाधान झालेलं आहे। उर्वरित आणखी आमच्या हम्बल कॉलनीमध्ये जे काही छोटे मोठे प्रलंबित छोटे कामं असतील तेही कामं आपण येत्या काळामध्ये ताबडतोब पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। ये हम्बल कॉलोनी का रोड मंजूर हो गया और वो रोड मंजूर होने की वजह से सभी हम्बल कॉलोनी में एक उत्साह के सर का और सब लोग खुशी से है। तो हम सभी हम्बल कॉलोनी वासी जो है आमदार साहब का शुक्रिया अदा करते और हम्बल कॉलोनी के रोड का काम और उद्घाटन हो गया है माननीय भीमराव केराम साहब के इनके हाथों से। लोग इतर समाज के भी लोग हैं, आदिवासी है और एसी है, मराठा है, मुस्लिम है, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर। ये ऐसा समझो कि इतनी तकलीफ थी हमारे को कि हमारी तकलीफों को सिर्फ आमदार साहब समझे और हमारे आमदार साहब जो है सो इसको निधि दिए और ये काम पाए तक मिल तक पहुँचाए और सब गौर गरीब की जो है सो दुआ ले। देखो हमारे महले में एक खुशी का माहौल है और खुशी ऐसी खुशी है जैसे कि ईद दिवाली पे कैसी खुशी होती है वैसी खुशी का माहौल है। पहले हमारे इतना तकलीफ होती थी छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों को जाने के लिए, जैसे कि आप इससे पहले भी देखे होंगे कि हमारे हमारे महले से बहुत सारे न्यूज़ गई थी। एक मैयत भी जो ढकल कर ले के गए थे पूरे चिक्कड़ पानी में और पेशेंट डिलीवरी के पेशेंटों भी, यानी कि हम ये समझ सकते कि अब हमारे लिए कितना खुशी का माहौल है और ये है ना। तो इसके वजह से हम धन्यवाद कर रहे हैं और आगे चलकर भी हमको बहुत सारी जो सो सुविधाएं मिले। हम्बल कॉलोनी इथून बोलत आहे मी, है कि नहीं ये हम्बल कॉलोनी रोड पासून नाही झाली होती आणि हे आता परवाला आमदार साहेबांना भूमिपूजन केलं। मी त्यांचा लय मोठा आभारी आहे आणि जसं दिवाळी दसऱ्याला खुशी येते तशी मला रोडची मंजुरी झाली तर तशी मला मनात खुशी आली। आमदार साहेबांचा धन्यवाद। आमदार साहब का बहुत धन्यवाद हुआ कि हम और आमदार साहब ने हमारे रोड को लाने की कामयाबी दी और उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज तक 15-20 साल से हम चिक्कड़ में आ रहे जा रहे तो उन्होंने हमको रोड की उम्मीद जताई। बच्चे स्कूल में जा रहे नहीं, कुछ भी नहीं, बारिश पानी में बहुत तकलीफ हो रही, तकलीफ से ज़िंदगी गुजारे अभी तक, इसलिए हमें आमदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। 10 साल से जो हमारे महल में रोड रुके वाली थी, आमदार साहब अब जो फंड लेके आए उसके लिए हम बहुत 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 धन्यवाद आमदार साहब का, बहुत बहुत आभारी है हम। बात की मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आमदार साहब जो है सो हमारे इस रोड का जो है सो उद्घाटन कर दिए, इस बात की तमाम बहुत खुशी है मुझे। और जो है सो हमारे हम्बल कॉलोनी के बारे में बहुत बहुत ख्याल है आमदार साहब को और जो तो यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी में थे और हमारे घर घर का हम्बल कॉलोनी के घर घर का बच्चा जो है आमदार साहब के वास्ते तमाम मुबारकबाद दे रहा, तमाम मुबारक खुशी दे रहा, रात में दिन में जो तो क्या खुशी, तमाम पूरे हम्बल कॉलोनी के लोग तमाम खुशियाँ मना रहे जो और जो मगर ऊपर वाले का सबसे पहले शुक्रिया जो है आमदार साहब का शुक्रिया और जो सो और आगे चल के भी और कुछ भी हम्बल कॉलोनी के काम अगर आएंगे तो वह भी निकालेंगे बल्कि हमको ऐसी उम्मीद है। मदद कर।
चौड़ा हो जाओ अभी के समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा सबसे तेज सबसे फास्ट सच्चाई के साथ किनवट वायरल न्यूज़ नेटवर्क।